इनके ये क्या हो रहा है यार, पीयू क्या कर रहे हैं यार? माहिर उसके लिए राइट मैच नहीं है, वो किसी बहुत बेहतर को डिजर्व करती है यार। देख यार, मैं जानता हूँ कि वो बहुत बोल्ड है, इंडिपेंडेंट है, लेकिन है तो बच्चे ही ना। देख यार, जब बच्चे गलती करते हैं ना तो बड़ों को स्टेप इन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। की कोशिश मैंने, लेकिन हम सब जानते हैं कि पीयू कितनी जिद्दी है, सीधे मुंह बात कहाँ करती है। एक बार मन बना लेती तो किसी की सुनती कहाँ है। मेरी सुनेगी, अभी जाके डांटता हूँ उसे। वो राम की बेटी, हम लोग ये सब नहीं होने दे सकते। अरे आती अभी नहीं, वैसे ही सिद्ध और अवनी के सामने इतना लंबा चौड़ा फैमिली ड्रामा हो चुका है। लेट्स नॉट फॉरगेट, प्राची के ससुराल वाले अब वो पीयू को बाद में हैंडल कर लेंगे हम। तू क्या बोल रहा है, इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, एवरीबॉडी इज हियर। ओ नाउ ये सही कह रहा है, अरे सबके सामने अनाउंस कर दिए। वो अभी क्या है ना, सेठ की फैमिली के सामने ये बात को स्ट्रेच नहीं करते, इसमें प्राची की भी भलाई। सही कह रहा है यार, सब हैंडल कर लेंगे बाद में, रिलैक्स। प्लीज बता हुआ क्या है? गाइस, आई एम ऑल सेट टू गेट मैरिड टू माय पूजल, माय लव माहिर। आह, वेरी श्योर कि मेरी पूरी फैमिली, मेरे सारे फ्रेंड्स इस डिसीजन से बहुत खुश होंगे, है ना? सो आई वांट वेरी 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 गुड गिफ्ट्स फ्रॉम एवरीबॉडी, ओके? एंड आई विल बी बैक। एक्सक्यूज मी, पता नहीं क्या कर रही है ये लड़की। ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना टाइप सीन क्यों लग रहा है मुझे? देखा जाए तो तीन बेस्ट फ्रेंड्स में कॉम्प्लिकेशन तो होगी, आफ्टर ऑल कहते हैं ना, प्लीज अ क्राउड, पता तो लगाना पड़ेगा। पीयू, पीयू लिसन टू मी, पीयू लिसन टू मी। राघव जाने देना, सब लोग वही वही सवाल बार बार पूछ रहे मुझसे, मैं थक गई हूँ, यू नो। अब एक डिसीजन क्या ले लिया है, सब लोग एक सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं। और ओके, लेट मी टेल यू द सेम थिंग, मैंने माहिर से शादी करने का डिसीजन सडनली नहीं लिया है, मैंने ये डिसीजन एकदम सोच समझ के लिया है। मैं नहीं मानता पीयू, ये बात अभी भी संभाली जा सकती है। जब तू कूल डाउन हो जाएगी ना, तो एलके सर के पास जाना और पोलाइटली उनको बोलना कि तुझसे मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तू शादी नहीं करना चाहती। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। करेगी, क्योंकि तू दिल से चाहती नहीं है। तुझे पता है मेरा दिल क्या चाहता है? हाँ पता है, अच्छी तरह जानता हूँ तुझे, तेरा चेहरा पढ़ सकता हूँ, तेरी आंखें भी। तेरी आंखों में माहिर के लिए बिल्कुल भी प्यार नहीं है। राघव को मेरी सगाई से इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? ओके लिसन पीयू, तुझे मुझसे बात नहीं करनी है ना, मत कर। कम से कम प्राची से बात कर लिया, वो कितनी वरीड है तेरे लिए। अरे पी क्यों वरीड होगी, उसे तो इंतजार खुश होना चाहिए कि मेरी शादी होने जा रही है, आई मीन फैमिली होगी, सब लोग यही तो चाहते हैं यार। तू ये क्या बातें कर रही है, शादी फैमिली माहिर के साथ? नो पी, नॉट हैपनिंग, ओके? अरे तेरी प्रॉब्लम क्या है राघव, मैं अगर माहिर से शादी करने जा रही हूँ तो फिर तू इतना जजमेंटल क्यों हो रहा है? हां, पी और जोश भी तो शादी कर रहे हैं, उससे तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हां, तूने पीक को जाके ये तो नहीं बोला कि जोश उसके लिए सही लड़का नहीं है, इनफैक्ट तू तो उन दोनों के रिलेशन को और भी एनकरेज कर रहा है। तू जब उन दोनों को नहीं रोक सकता तो फिर मुझे क्यों रोक रहा है? लिसन राघव, यू नीड टू चिल, ओके? तू भी चिल कर और मुझे भी चिल कर दे, ओके? नॉट ओके, रोकूंगा और पूरे हक से रोकूंगा, मैं तुझे ये गलती नहीं करने दूंगा, समझ आया? पीयू, आई विश तू अभी जोर से हंस दे और कह दे कि कैसी लगी मेरी प्रैंक, प्लीज पीयू प्लीज, कह दे कि मी एंड माहिर नेवर हैपनिंग डूड। बहुत देर हो गई राघव, आई एम एंगेज्ड नाउ। मामा जी, पीयू और माहिर के चक्कर में जोश और प्राची की बात तो साइड पे रह गई। अरे चल, मैं हूं ना, करता हूं कुछ। तो मुझे ना कुछ कहना है, हम जिस वजह से यहाँ जमा हुए थे उस मुद्दे पे हमें वापस आना चाहिए। प्राची की सगाई की डेट फिक्स कर देते क्यों जी? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जी? तो दोनों बहनों की सगाई की डेट फिक्स करनी है। माहिर है ना, एक्चुअली ज्यादा ही एंथू कटलेट हो गया, उसने मेरी रिंग पहना दी पीहू को। ऐसा नहीं होता, लेकिन जैसे प्राची अपनी खुद की स्पेशल एंगेजमेंट रिंग डिजर्व करती है, वैसे पीहू भी। सो अब दोनों बहनों के लिए सब कुछ सेम टू सेम बहुत ग्रैंड होगा, आप देखना। हम कपूर्स ऐसी डबल एंगेजमेंट पार्टी थ्रो करेंगे ना, आई प्रॉमिस इट्स गोना बी ट्रेंडिंग। सो अच्छा, कब करनी है सगाई ये बोलो। दो दिन में। इतनी जल्दी?
दो दिन में सारे अरेंजमेंट्स कैसे होंगे? सब कुछ अरेंज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए टाइम चाहिए थोड़ा। आई नो सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन हमारे फैमिली पंडित जी ने यही मुहूर्त निकलवाया है। बहुत बड़ा ऑस्पिशियस डे है, टालना ठीक नहीं होगा, आखिर बच्चों की खुशियों का सवाल है। अब प्राची, अभी सिर्फ सगाई होगी, जैसा मैंने तुम्हें पहले कहा, आई प्रॉमिस यू, शादी तभी होगी जब तुम पूरी तरह से तैयार होगी, ठीक है ना? ठीक है फिर, दो दिन बाद सगाई फिक्स। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। अरे सुन, तू खड़ा क्या है यार, मिठाई लेकर आ, सबका मुंह मीठा कर। अरे सिर्फ दो दिन बचे, बहुत तैयारियां करनी है, चलो चलो चलो। इतने हैप्पी ओकेजन पर एक फैमिली फोटो तो बनता है। हाँ हाँ, आओ आओ फोटो के लिए। हाँ हाँ, चलो चलो। अरे दामाद जी आइए ना, प्राची सामने खड़े हैं। भैया आइए ना आप लोग भी। पवन पवन जल्दी आओ। अरे पीयू कहाँ है? तो पीयू ने तुम्हें कुछ बताया नहीं? कुछ भी नहीं बताया, समझ नहीं आ रहा उनके दिमाग में चल क्या रहा है, पता नहीं व्हाट टू डू। जोश प्राची पीयू को लेकर बहुत परेशान है, बहुत टेंस है। अगर इस वक्त तुम उसका साथ दोगे ना और अच्छी एडवाइस दोगे तो तुम दोनों की रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। एंड लिसन, प्राची शायद तुमसे खुल के बात नहीं कर पाएगी क्योंकि पीयू को लेकर वो बहुत पजेसिव है, लेकिन अगर तुमने उसे कंफर्टेबल फील करा दिया तो इससे तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और वो तुम पर ट्रस्ट भी करने लगेगी। प्राची, मैं तुम्हारी बहन को इतने अच्छे से जानता नहीं हूँ, बट जितना मैंने देखा है आई डोंट थिंक वो इंपल्सिव डिसीजन लेने वालों में से। माहिर इज डेफिनेटली इन ऑर्डर टाइप फॉर श्योर, फिर भी वो शादी करना चाहती है। हाँ वही तो, आई मीन दिस इज सो नॉट हर, आई मीन वो इतनी सेंसिबल है, लेकिन ये कितना इरेशनल डिसीजन है, दिस इज नॉट हर। यू मीन यू इज नॉट बिहेविंग हरसेल्फ, शी इज बिहेविंग आउट ऑफ कैरेक्टर। या यू नो यूजुअली प्राची, जब लोग आउट ऑफ कैरेक्टर बिहेव करते हैं ना, या तो उन्हें कोई मेंटल स्ट्रेस होता है या फिर कोई उन्हें थ्रेटन कर रहा होता है, एंड इन दिस केस आई फील तुम्हारी बहन को कोई ब्लैकमेल कर रहा है। ब्लैकमेल कर रहा है? दी को कौन ब्लैकमेल करेगा? आई डोंट थिंक वो पॉसिबल भी है। आई डोंट थिंक ब्लैकमेल, नहीं आई डोंट थिंक वो ब्लैकमेल कर रहा है, थ्रेटन कर रहा है उन्हें। प्राची लेट मी टेल यू, हमें कोई भी कभी भी कैसे भी थ्रेटन कर सकता है, बिकॉज हमारे पास वीक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, ब्लैकमेल भी हो सकता है। आई थिंक इन दिस सिचुएशन ना, तुम्हारी पी के अगेंस्ट उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो उसी के खिलाफ यूज कर रहा है वो। I love you. Huh? Just imagine, अब मैं forever इसी घर में रहूंगी, आपकी क्या कहते वो बहू बनकर। कल तक जो मुझे पसंद नहीं था अब पसंद लगने लगा है। I have fallen for him. आशी, तुमने कुछ खाया भी नहीं है, at least have a bite. भूख नहीं लग रही मुझे। Can I please call for the check? Let me get that, please. You know the guy should pay, chivalry. No. Last time tumne pay kiya, this time it's my turn. And वैसे भी ज़माना बदल गया, and I believe in equality, so that's it. Rashi, you really are unpredictable. हमें ना लाइफ में अनप्रेडिक्टेबल चॉइसेस देते रहने चाहिए। इन फैक्ट बीच बीच में छोटे मोटे इंटरवल पे ना बड़े बड़े शॉक देते रहना चाहिए। Josh, thank you so much for this chat. I mean, thank you so much. You really helped me. Thank you. Call Raghav. Rashi. मुझे ऐसे half done में छोड़के she's going to that Raghav. पसंद मुझे करती है, शादी मुझसे करना चाहती है, पर हर छोटी बड़ी बात पे she wants Raghav. इन दोनों के बीच में आखिर connection क्या है? जो भी है, मुझे इनकी bond को break करना ही पड़ेगा। तुझे इतनी भी क्या जल्दी थी अंगद? हाँ, कोई मर रहा था क्या? मुझे इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी है। क्या यार ये सब? शादी होने वाली है तेरी। थोड़ा हैप्पी फेस बना, ब्राइड टू बी वाला। ऐसी ही घूम रही, किसी का भी मर्डर कर देगी, रिंकल्स पड़ जाएंगे यार। एक अंगद, मेरे पास ये फालतू बातें करने का टाइम नहीं है। हाँ मुझे पता है, बहुत ज्यादा बिजी है तू। अपनी शादी का बॉम्ब तो तूने सब पे फोड़ दिया, सब लोग तैयारी में भी लग गए, सब मेहनत कर रहे, पर पीयू कहाँ है? पीयू ऑफिस के लिए। वैसे एक बात बता, सच में ऑफिस में काम था या सबसे छुप रही है? मैं किसी से क्यों छुपूंगी? हाँ मुझे काम करना है, ओके? बहुत सारा काम है मुझे, और मैं तेरी तरह जॉबलेस यूजलेस नहीं हूँ। आई एम वेरी श्योर अंगद पीहू से रीजन उगलवा लेगा, आखिर पता तो चले कि पीहू माहिर से शादी कर क्यों रही है। सही कह रही है। वैसे सुन, एंगेजमेंट तो तूने कर ली,
शादी भी फिक्स कर ली होगी है? वैसे सुन, अगर ग्रैंड वेडिंग प्लान करनी है ना तो मेरे मॉलडीव्स में बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, तू बोले तो अभी फोन करता हूँ। तुझे मेरी शादी में क्यों इंटरेस्ट है और तुझे मेरी शादी का वेडिंग प्लानर बनना है क्या? अब तू बोली रही है इतने प्यार से तो तेरे को मना नहीं करूंगा, और वैसे भी मुझसे अच्छी तेरी वेडिंग कोई प्लान नहीं कर सकता बिकॉज आई नो यू वेरी वेल। बट देख, अगर तेरे को एकदम ग्रैंड वेडिंग करनी है तो मेरे को टाइम देना पड़ेगा भाई। थीम, कॉस्ट्यूम, गेस्ट लिस्ट अभी बता देना, बाद में तू मुझसे लड़ने आ जाएगी, वो मुझे चाहिए नहीं। और गिफ्ट, गिफ्ट मैं तुझे देने वाला नहीं हूँ तो एक्सपेक्ट भी मत करना। ये जो वेडिंग मैं प्लान करूंगा ग्रैंड कपूर वेडिंग, जैसी भी प्लान करूंगा चुपचाप खुश रहना, ताना मत देना मेरे को। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब मैंने एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की तो तूने मुंह फुला लिया था और अब मेरी वेडिंग प्लानिंग कर रहा है? इतनी जल्दी इतना बड़ा चेंज ऑफ हार्ट कैसे? तुझे मेरी और माहिर की शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है? मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी यार, तू किसी भी आलू कचालू या भालू से शादी करे, तू एडल्ट है यार। और अगर तुझे लगता है कि माहिर तेरे लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर है तो वैसे भी जिस दिन तेरी शादी होगी ना आई विल बी द हैप्पीएस्ट, क्योंकि मुझे छुटकारा मिल जाएगा तेरी चौकीदारी करने से। और जो मेरा रोल है ना, फिर मेरा रोल तेरा रोली पोली क्यूट सा पति निभाएगा। वो देख कितनी मेहनत कर रहा है यार वो घोड़ी चढ़ने के लिए, ऐसे ही घोड़ी पे चढ़ के आएगा और तुझे हमेशा के लिए लेके चला जाएगा। काट पेट टू वॉच यार। कांग्रेचुलेशंस। हाय पीहू। अरे अंकल, पीहू के साथ इतना वियर्ड क्यों बिहेव कर रहा? आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। पता लगाने पड़ेगा मेरे बेटे को हुआ क्या है। ये बॉन्ड गारंटी है। ये तो मेरा मतलब है, इन पेपर्स के मुताबिक तो सिड अपने बिजनेस के लिए जो लोन लेगा उसका गारंटर एलके बनेगा। ये क्या है? एलके क्यों गारंटर बनेगा? ये देखना। नहीं, ये गलत है। This is a wrong business. नहीं नहीं, अब ना बात बिजनेस से आगे बढ़ गई है ना, रिश्ते की बात हो रही है। एलके की बेटी और सिड के बेटे के साथ, I mean, प्राची की शादी की बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगर उसमें एलके सिड को थोड़ा भी कुछ दे देता है ना तो दोनों फैमिलीज के बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएंगे। सब जानते हैं बब्बर्स और कपूर्स में कितना बैड ब्लड है, यही मौका है पुरानी दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.